पहले इंसान 1 रुपए की ऑरेंज वाली गोली खाता था टेस्ट के लिए खाने के बाद, राइट। अब इंसान दिन में 2 गोली खाने के साथ और 2 गोली खाने के शाम को डिनर के साथ खाता है। वो गोली टेस्ट के लिए नहीं, वो गोली अपनी सेहत के लिए होती है। आज गोलियों पे लोगों की सीरीज चल रही है। आज अगर आप लेडीज के अंदर बात करेंगे, वुमेन के अंदर बात करेंगे, थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, राइट। थायराइड तो एक इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि थायरॉयडसिन 100 mg की टैबलेट तो कॉमन बन चुकी है परिवारों के अंदर, राइट। राइट, डायबिटीज एक कॉमन बीमारी हो चुकी है और इंडिया कहीं ना कहीं डायबिटीज का सेंटर बन चुका है, राइट। कहीं ना कहीं आज हुआ क्या है, ये क्यों हेल्थ क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे खान पान के बदलने, बहुत सारी चीजों के बदलने से हमारे जीने वाला समय पहले लंबा हुआ करता था और बीमारियों के साथ जीने वाला समय बहुत छोटा, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। देखिए, आज से कुछ समय पहले हमारी हेल्थ कंसर्न क्या थी, आज से कुछ समय पहले लोग किन बीमारियों से ग्रस्त हुआ करते थे, राइट। फ्यू इयर्स बैक पीपल वर लाइक दे वर सफरिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस, लाइक दे वर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया से सफर करा करते थे, ट्यूबरक्लोसिस से सफर करते थे, कफ से सफर करते थे, स्मॉल पॉक्स से सफर करते थे, चिकन पॉक्स से सफर करा करते थे, प्लेग से सफर करते थे, राइट, फ्लू से सफर करते थे। अच्छा, ये सारी बीमारियां किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती थी, मतलब किसी ना किसी प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से होती थी, जिसमें से कोरोना भी है जो भी एक वायरस की वजह से एक डिसीज है। लेकिन कोरोना तो खैर अभी आया और चला जाएगा, चला नहीं जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाली डिसीज है। लेकिन आज आप सोच के देखिए, हमारे देश में जितने लोग आज कोरोना से नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा हर साल कैंसर से मरते हैं, उससे ज्यादा हर साल लोग हार्ट डिसीज से मरते हैं, डायबिटीज से मरते हैं, हाइपरटेंशन से मरते हैं, स्ट्रोक से मरते हैं, अस्थमा से मरते हैं, ओबेसिटी तो घर घर का हो चुका है। अब हर घर में एक मोटा इंसान पाया जाता है, राइट। हर घर के अंदर एक मोटा इंसान पाया जाता है। क्यों? फ्रेंच फ्राइज खूब खाए, राइट, पिज्जा आने लगा है, थायराइड की वजह से वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, आर्थराइटिस है, घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कई सारी आप गांव में चले जाएंगे, जितने किसान खेती करते हैं उनको आर्थराइटिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सारी बीमारियां किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं है, ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल की डिसीज है। लाइफस्टाइल मतलब जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, और जिस तरीके की वायु का आप सेवन करते हैं, जिस तरह के खान पान का आप सेवन करते हैं, और जिस तरीके का जल पान आप अपने जीवन में करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जल पान, आपके आहार और आप किस तरीके की वायु को का आप सेवन कर रहे हैं, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। यस सर, राइट, करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी थोड़ी मेरी हिंदी भी पसंद आएगी, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, करेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं आज जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं रह गई हैं, वो बीमारियां हमारे खान पान की वजह से रह गई हैं, वो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम जिस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं उस तरीके से हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, पहले तो बोला जाता था खाना ही दवा है, लेकिन आज के समय में खाना दवा नहीं, खाना जहर है जो आपको धीरे धीरे मारता है। आज की समय में जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक स्लो पॉइजन है। 98% जो हमारे डिसीजेस हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। हम सोच के देखिए, हमारे शरीर को मिलता क्या है? रिफाइंड मिलता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन जा चुका होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर तमाम कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। कई बार बहुत सारी वेजिटेबल हम बॉइल करके खाते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन उन वेजिटेबल का निकल जाता है। सॉल्ट, नमक, चीनी तो हम लोग आज इतना शुगर, सॉल्ट और शुगर, आप अगर किसी भी प्रोसेस फूड को उठाएंगे उसके अंदर सॉल्ट और शुगर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, राइट, अल्कोहल, राइट, करेक्ट। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ये तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का ट्रेंड बन चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल, मेडिकेशंस, सर दर्द हुआ गोली खाओ, पेट दर्द हुआ गोली खाओ, कहीं ना कहीं मेडिकेशंस है बॉडी की इम्यूनिटी को छोड़ के सारी चीजों के लिए गोली खाओ, राइट। फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड। आप सोच के देखिए, अगर हमारे शरीर को इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आप एक कमरे में अगर कचरा डालते जाएंगे तो आकाश जी थोड़े समय के बाद क्या होगा, वहां से गुलाब की स्मेल आएगी क्या? नहीं सर, करेक्ट, घर बन जाएगा। क्या होगा उस रूम के अंदर? उस रूम की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उस रूम के अंदर कई सारी डिसीजेस, कई सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, राइट। और उस रूम से स्मेल आना पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे, अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलरली ऐसी चीजों से फीड करते रहोगे, रेगुलरली ऐसे बॉडी से फीड करते रहोगे, तो एक दिन आएगा आपकी बॉडी भी हाथ जोड़ के खत्म खड़ी हो जाएगी कि बस कर भाई, अब इससे ज्यादा और नहीं झेल सकते, राइट। क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इस तरीके का फूड हमें हमारी बॉडी को दिए हैं, करेक्ट।
और कहीं ना कहीं आज आपको पता है हमें से ही सारे लोग क्यों मेहनत करते हैं आकाश जी, आपको पता है लोग 10 साल पैसा क्यों कमाते हैं, आपको पता है लोग 20 साल पैसा क्यों कमाते हैं आकाश जी, आपको पता है लोग 20 परिवार के लिए, परिवार के लिए, आकाश जी का कहना है परिवार के लिए, मेरा कहना है डॉक्टर को अमीर बनाने के लिए। हम में से कई सारे लोग तो 20 साल 30 साल मेहनत करते हैं क्योंकि जब हम 40 साल के हो जाएंगे तो हम अपने डॉक्टर की कंसिस्टेंट इनकम बनेंगे। कई सारे लोग अपनी डॉक्टर की कंसिस्टेंट इनकम बनने के लिए काम करते हैं, 20 साल 30 साल बहुत पैसा कमाते हैं और अपनी सेहत को खो बैठते हैं और फिर अपनी डॉक्टर की कंसिस्टेंट इनकम बन जाते हैं, फिर अपने डॉक्टर को हर महीना कुछ ना कुछ पैसा कमा के देते हैं, राइट। तो इतनी मेहनत मत करिए और ऐसे तरीके का जीवन मत जीजिए कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर की पेंशन बन जाए, राइट। कुछ लोग अपनी पेंशन लगाने के लिए इतना काम करते हैं कि उनके उनके माध्यम से उनकी डॉक्टर की पेंशन लग जाती है, राइट। वो अपने डॉक्टर के लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी डॉक्टर के लिए पैसिव इनकम जनरेट ना करें, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत है, हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत है, एलिमेंट्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, फाइबर की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, अमीनो एसिड की जरूरत है, एंजाइम्स की जरूरत है, हर्ब्स की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब आप खुद सोच के देखिए हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है और हम देते क्या। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई सारे तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं।